गाइस, मैं दिव्येश सिन्हा फ्रॉम द टीम रेड फाइट से। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे, बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम के, तो इसमें हम आगे की थ्योरी पे ध्यान देते हैं। तो आज हम पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है नंबर नेम्स। ठीक है, नंबर नेम्स मीन्स जो नंबर होता है वो हम लिखें कैसे, आता है ना राइट इन वर्ड्स। क्वेश्चन में देखा होगा आप लोगों ने कि आता है राइट नंबर नेम्स या राइट इन वर्ड्स, तो वो कैसे लिखते हैं ये जानते हैं। और इंडियन में कैसे लिखेंगे, इंटरनेशनल में कैसे लिखेंगे, मतलब इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में उस नंबर को कैसे लिखेंगे और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में कैसे लिखेंगे ये जानते हैं। चलिए, तो मान लीजिए मैंने ले लिया 7979947। ठीक है, ये मान लीजिए ले लिया मैंने, इसे हमें लिखना है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में। तो देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको पिछले क्लास में बताया गया कि कॉमा देते हैं हम, तो कॉमा हम कैसे देंगे इसमें पता होगा आपको। फर्स्ट कॉमा इंडियन में देते हैं तीन डिजिट के बाद, पीछे से तीन डिजिट के बाद, ठीक है, उसके बाद दो डिजिट, फिर दो डिजिट, ठीक है, ऐसे ही देते हैं। तो इसे हम कैसे लिखेंगे वर्ड में, तो इसको काउंट करिए, तो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लाख टेन लाख करोड़। देखिए तो ये जो आया यहाँ पे करोड़, ये सेवन, तो इसका वैल्यू क्या होगा, प्लेस वैल्यू अगर लिखा जाए तो सेवन करोड़, तो वहीं से शुरू करेंगे। तो इसे लिखूंगा मैं सेवन करोड़। उसके बाद जो आ जाइए इसका लिखना है, तो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लाख टेन लाख, मीन्स ये लाख टेन लाख वाले प्लेस पे है, तो क्या हो जाएगा 97 लाख। उसके बाद थाउजेंड वाले प्लेस पे तो 99,000। और उसके बाद 700, चूंकि ये 700 वाले प्लेस पे है तो 747। ठीक है, तो ये हुआ इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के मुताबिक, समझे कैसे लिखा मैंने। तो सबका पहले तो कर दिया, तो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लाख टेन लाख करोड़। अब जो जिस प्लेस पे था वैसे मैंने नंबर नेम लिख दिए, सेवन करोड़ 97,99,747। ठीक है, अब देखते हैं कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में कैसे लिखेंगे। तो देखिए, फिर से मैं लिख लेता हूं नंबर, ठीक है। तो चलिए इसे फिर से हम कॉमा कैसे देते हैं, इंटरनेशनल में यह भी बताया गया आपको, चलिए कॉमा देते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले पीछे से तीन डिजिट पे, तो एक दो तीन, उसके बाद फिर से तीन डिजिट पे, ठीक है। तो देखिए फिर से वैल्यू पता होगा आपको, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड मिलियन टेन मिलियन, यही होता है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, सेवेंटी नाइन मिलियंस सेवन थाउजेंड
सॉरी 797,000, समझे, 799,000, सॉरी 799,000, क्योंकि ये पूरा 1000 वाले पे है। ऐसे क्या पढ़ते हैं, 1000, 10,000, 100,000, तो 799,000, 799,000, उसके बाद 704, क्या होगा 704, ये हुआ आपका इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, ठीक है। इसमें भी सेम, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, उसके बाद मिलियन और टेन मिलियन, ये हुआ, और वैसे ही मैंने लिख दिया, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसे हम कहते हैं एस्टिमेशन, ESTIMATION, एस्टिमेशन। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो एस्टिमेशन मींस कह सकते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं आपके, राउंडिंग ऑफ, ठीक है, जो होता है ना कि राउंड ऑफ, नियर टू, नियरेस्ट टेन, नियरेस्ट हंड्रेड, नियरेस्ट थाउजेंड, तो ये राउंडिंग ऑफ, ठीक है। तो देखते हैं ये होता क्या है। अगर इसे और मैं अगर एग्जांपल देके समझाऊं आपको, तो मान लीजिए अगर आप मार्केट गए, वहां पर किसी शॉप पे आपने 289 रुपीस की शॉपिंग की, 289 रुपीस की शॉपिंग की, ठीक है, तो 289 रुपीस की शॉपिंग की। अब दुकानदार के पास चेंज ना होने के कारण उसने 290 रुपीस कट कर लिए, तो ये आप कह सकते हैं कि उसने राउंड करके आपके पैसे को ले लिया, राउंड ऑफ, नियरेस्ट टेन में आपका पैसा ले लिया, ठीक है। तो यही होता है राउंडिंग ऑफ, इसको कह सकते हैं राउंडिंग ऑफ। ठीक है ना, तो देखते हैं सबसे पहले हम राउंडिंग ऑफ करते कैसे, ठीक है। तो मैं लिखती हूँ, मान लीजिए यहाँ पे लिखू मैं 37, ठीक है। तो अब ये 37 है, इसे आपको कहा जाए कि राउंड ऑफ करने के लिए, तो 37 दो तरह से राउंड ऑफ हो सकता है। एक तो ये कहाँ पे है, तो 40 से कम है और 30 से ज्यादा है, ठीक है। अब ये जो 37 है, तो ये जो 37 है, ये देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 7 का, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 3 का, ठीक है। तो ये नजदीक किसके हुआ ज्यादा, ये बताइए, 40 के करीब हुआ, और राउंडिंग ऑफ मतलब किसके ज्यादा वो नजदीक है, उधर उसको राउंड फिगर में लिख देना, यही होगा राउंडिंग ऑफ। तो 37 इसके नजदीक है, तो इसे अगर हम राउंड ऑफ करें नियरेस्ट 10, तो ये 40 हो जाएगा, ठीक है। इसे कहते हैं हम एस्टिमेशन या राउंडिंग ऑफ। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए मान लीजिए अर्लियर 67, या चलिए 7 हो चुका है, तो हमने लेते 62, तो अब देखते हैं, तो ये नियरेस्ट 10 किसके किसके है, तो एक तो यहां पे हो जाएगा 70 और एक हो जाएगा 60, यही दो तो होगा। अब ये दो जो है, यहां पे देखिए डिफरेंस जो है वो 2 का है, लेकिन यहां पे डिफरेंस जो है वो 8 का है, 8 का है, तो क्या करेंगे हम, तो जो 2 का है ये कम डिफरेंस है, इसलिए इसे हम किस तरफ राउंड ऑफ करेंगे, 60 के तरफ, मींस ये 60 हो जाएगा, समझे। तो ये होता है राउंडिंग ऑफ, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग थोड़े बड़े बड़े नंबरों को राउंडिंग ऑफ करना, चलिए एक और चीज मैं बताता हूं,
अगर कोई नंबर जैसे मान लीजिए अगर है 31, 32, 33, 34, ठीक है, और इधर है 36, 37, 38, 39। अब ये देखिए इतना जो नंबर है ये, अब ये जो नंबर है अगर इसे हम राउंड ऑफ करें, इन सब नंबरों को अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो मतलब जिसके लास्ट में 1, 2, 3 या 4 रहेगा ना, वो पीछे मतलब अपने पीछे में जैसे 0 की तरफ राउंड ऑफ होगा, और जिसके लास्ट में 6, 7, 8, 9 होगा वो आगे बढ़ जाएगा, टेंस की तरफ होगा राउंड ऑफ। ठीक है, तो ये सब किधर जाएगा राउंड ऑफ, ये पूरा 30 की तरफ होंगे और ये सारे 40 की तरफ होंगे। ठीक है, अब यहां पे एक बच रहा है, एक कौन सा बच रहा है, तो 5 बच रहा है, 5 बच रहा है। जैसे अगर यहाँ 35 होता तो 35 को हम किस तरफ राउंड ऑफ करेंगे, ये भी एक है। तो 35 को हम क्या करेंगे, हम आगे वाले में ही शामिल करेंगे, इसका ये रूल है। 35 को हम आगे, मीन्स 35 को अगर राउंड ऑफ करने के लिए कहेगा तो हम 40 की तरफ राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं इसी में, थोड़ा और बड़े बड़े नंबरों को राउंड ऑफ करते हैं। चलिए सपोज दैट 8, 4, 3, 9 ये एक नंबर है। अब इसे कह दिया राउंड ऑफ करना, तो इसे हम कैसे राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो सबसे पहले ये देखिए अगर टेंस के राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 अगर करेगा तो क्या करेंगे, तो टेंस वाला के लिए ये देखिए ये 9 है, यहाँ पे क्या है 39, तो 39 किस तरफ राउंड ऑफ होगा सबसे पहले, तो 39 जो है वो 40 की तरफ होगा, तो पहला इसका क्या हो जाएगा 8, 4, 4, 0 ये हुआ। अब अगर कहा दे नियरेस्ट 100 के तरफ का दे, तो ये 39 जो है ये 4 है, तो ये किधर जाएगा, तो देखिए ये 8, 4, 00 की तरफ जाएगा। ठीक है, अब अगर 1000 की तरफ का दे, तो ये देखिए यहां पे 3 0 है, तो ये अगर 5 से यहां 8, 5 ऐसे रहता, 8, 5, 6, 9 अगर ऐसे कुछ रहता तो हम इसे 9000 की तरफ करते। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है 5 से कम है, ये 5 से कम है तो ये पीछे चला जाएगा, तो 8000 की तरफ राउंड ऑफ होगा। तो ये हुआ तरीका, ये टेंस प्लेस पे अगर कह दे राउंड ऑफ नियरेस्ट टू 10, तो 10 की तरफ इतना होगा, 100 ये होगा, चूंकि हंड देखिए अगर टेंस कह दिया तो टेंस प्लेस के बाद क्या है 0 होना चाहिए सारा, तो 0 है। 100 कह दिया तो 100 प्लेस के बाद क्या है 0 0 है, जिसके बाद है ना 0। वैसे ही 1000 कर दिया तो 1000 प्लेस पे जो ब्रिज है उसके बाद क्या है 0। तो ये हुआ राउंडिंग ऑफ। इस पे अब आइए हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं तुरंत। मान लिया जाए यहां पे लिख देता हूं मैं नंबर 2, 9, 3, 1। ठीक है, एक और ले लेते हैं 7, 6, 3, 9। ठीक है, अब पहला यहां पे लिख देते हैं नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 और उसके बाद नियरेस्ट 1000। ठीक है, तो चलिए पहला ये नंबर है 2, 9, 3, 1, तो सबसे पहले अगर इसे नियरेस्ट 10 हम राउंड करेंगे तो क्या होगा, तो 10 डिजिट के बाद जो है वो कितना है 1 है। अब 1 जो है वो किधर राउंड ऑफ होगा, तो बैक जाएगा 0 की तरफ जाएगा, तो 0 की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका 2, 9, 3, 0, चूंकि 10 डिजिट के बाद वाले के सारे जो डिजिट है वो 0 है, मतलब एक जो डिजिट है वो 0 है, तो ये 10 की तरफ राउंड ऑफ हो गया। वैसे ही इसको अगर करेंगे तो क्या होगा, तो 7, 6 तो वही होगा, इन दोनों में होगा चेंज,
क्या होगा भाई 39, तो 39 किधर राउंड ऑफ हुआ, तो 40 की तरफ होगा, अभी बताया गया है, तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, सिंपल। अब है नियरेस्ट 100, मतलब इस पूरे को राउंड ऑफ करना, तो इस पूरे को अगर राउंड ऑफ करना है तो देखिए 2 का तो 2 उधर जाएगा, 931, तो 931 है, मींस 50 से नीचे है, ये जो डिजिट है ये 5 से कम है, कम है तो 900 यहीं पे राउंड ऑफ होगा, ठीक है, ये यहीं राउंड ऑफ होगा। अब इसको देखते हैं, तो ये हो जाएगा देखिए 7, इसके बाद देखिए 6 है, तो कहां चला जाएगा, कहां चला जाएगा 7 6 3 9, तो ये भी 3 9 है, तो 600 पे आ जाएगा, ये 600 पे आ जाएगा, क्योंकि ये भी जो है ये 5 से कम है, ठीक है। अब यहां पे नियरेस्ट 1000 अगर देखा गया है तो देखिए 29 ये किधर जाएगा, 2900 आ रहा है ये पूरा, अगर 2900 तो क्या ये 3000 के तरफ जाएगा, जाएगा ना, वैसे ही यहाँ 7 6 है, 6 है तो 6 है तो ये कहाँ जाएगा, 5 से ज्यादा है तो ये 8000 की तरफ चला जाएगा, समझ में आया, ये दो एग्जांपल्स। चलिए तो आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।